बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किन की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल लच्छेदार चिकन पकौड़े की रेसिपी लाई हूँ। सर्दियों में गर्म चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ गर्म गर्म पकौड़ों की रेसिपी शेयर की जाए। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पर पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन लिया, जो कि एक कप है। आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है छन्नी की मदद से। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 टेबलस्पून है। इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेमन जूस लिया, जो कि 1 टेबलस्पून है, और वो मैंने इसलिए डाला कि जो चिकन की स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसके मैंने गर्म मसाला ऐड किया 1/2 टेबलस्पून। अब यहाँ पे ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, जो कि 1/2 टेबलस्पून। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, जो कि 1 टीस्पून है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, जो कि 1/2 टीस्पून है। हल्दी ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि हम फूड कलर ऐड करेंगे, तो फूड कलर आपने डालना है 1/4 टीस्पून, मतलब कि 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा जो होता है वो आपने डालना है। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो बीच में गुठलियाँ हैं ये ना रहें, ये टूट जाएँ, क्योंकि अगर ये बीच में रहेंगी तो हम लोग का फिर वो परफेक्ट नहीं बनेगा। थोड़ा सा पानी डाल लो अकॉर्डिंग टू योर पेस्ट, जितना आपको पेस्ट बनाने के लिए चाहिए। ज़्यादा ठीक पेस्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, जिस तरह मेरा है बिल्कुल आपको वैसे ही बनाना है। तो ये परफेक्ट पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने नमक ले लिया, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालोगे, जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डाला, क्योंकि आगे भी हमें डालना है, तो इसलिए। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप जो है चिकन, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था, और ये बोनलेस है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कि इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट आ जाए, एक लेयर आ जाए मसालों की, इस तरह से। और स्पैचुला के साथ आपने करना है। तो आपने फिर इसको कुछ देर के लिए साइड पे रख देना है 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने पटाटो लिए थे, जिनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक काटा था। उसके लिए मैंने मैदा जो है वो 1 कप डाल दिया, और कॉर्न स्टार्च है वो आपने 1/2 कप डालना है, जिसको कॉर्नफ्लोर कहा जाता है। ये डालने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालोगे, जो कि 1 टीस्पून है, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट डालोगे, सॉल्ट आप 1 टीस्पून डालो, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। और आलू जब आप वॉश करोगे या कट करोगे, तब इनको वॉश करते वक्त पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि जब आप इसको कुछ देर के लिए रखोगे तो ऑटोमेटिकली आलू का जो पानी निकल आएगा, और ये अच्छी तरह से स्टिकी स्टिकी से हो जाएंगे। तो जो मैंने सॉल्ट डाला था उसका भी थोड़ा पानी निकलेगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भी स्टिकी नहीं है और बिल्कुल कम भी स्टिकी नहीं है, मतलब कि सही है। अब आपने बीच में चिकन का एक पीस रखना है, ऊपर थोड़ा सा आपने पटाटो रखना है, और अच्छी तरह से इसको आपने लाइट हैंड से प्रेस करना है। ज़्यादा करेंगे तो वो सही नहीं होगा, और इतना भी मतलब कि लाइट नहीं प्रेस करना कि वो बिल्कुल चिपके ही ना। तो आपने रखते जाना है। तो देखिए हमारे पकौड़े कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, आपने इनको साथ साथ बनाते जाना है। जो आप बनाओगे आप वो ऑयल गर्म होना चाहिए, डालते जाओ, और ऑयल जो है वो मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए गर्म। और उसके बाद यहाँ पर आपने इनको डाल देना है, जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होते आप पकाते रहोगे इसके। और चिकन की फिक्र ना करें, चिकन पक जाता है बीच में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो देखिए मैं साथ साथ ही फ्राई करती जा रही थी। अब हम इनके साइड चेंज करेंगे, ये देखें। और ये खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही क्रिस्पी थे। आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हो, ये रमज़ान की भी एक रेसिपी हो जाती है। और अगर कोई घर में मेहमान आता तो आप इसको टी ब्रेक में भी दे सकते हो, ये बहुत लाइट सा होता है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के बने, ये देखें। जब मैंने खाया मुझे इतना मज़ा आया, और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। चिकन हमारा बिल्कुल बीच में से पक चुका था, ये देखें। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखें कितना क्रिस्पी लग रहा है। होप सो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की रेसिपी है। आप इसको टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं, किसी भी टाइम में आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो आप किसी भी टाइम इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसके साथ ही शेयर भी जरूर कर दिया करें, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दिया करें, फीडबैक देना मत भूलिएगा।
गाइस वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और लाल कलर का बटन दबाएं ताकि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस देखनी है तो वो भी आप लोग को टाइम पे मिलेंगे अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि आप लोग ने जो रेसिपीज मेरी यूट्यूब पे नहीं देखी आप लोग वो मेरी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देख सकें। इसी रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और बहुत स्पेशल सर्दियों से रिलेटेड रेसिपी लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।